भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में एक बार फिर चौंकाया। इस वक्त की बड़ी खबर, सीपी जोशी को बनाया गया राजस्थान बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संदर्भ में आदेश जारी। सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, सितंबर में पूरा हो गया था पूनिया का कार्यकाल। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी में एक बड़ा बदलाव किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सतीश पूनिया के पास थी। इस वक्त की बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को नई जिम्मेदारी दी गई। सितंबर में पूरा हो गया था पूनिया का कार्यकाल। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में एक बार फिर चौंकाया। सीपी जोशी को बनाया गया राजस्थान बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संदर्भ में आदेश जारी। सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, सितंबर में पूरा हो गया था पूनिया का कार्यकाल। राजस्थान बीजेपी में एक बड़ा बदलाव किया गया। राजस्थान चुनाव से पहले सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सतीश पूनिया के पास थी। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को नई जिम्मेदारी दी गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, बीजेपी विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले राजस्थान संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। सतीश पूनिया की जगह चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तो लगातार एक अटकलें लगाई जा रही थी राजस्थान में कहीं ना कहीं वसुंधरा खेमा लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहा था कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए और सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच में एक लंबा विवाद चला आ रहा था। चुनाव से पहले ये तय था कि 3 पद ऐसे हैं जिस पर कहीं ना कहीं संगठन को नियुक्ति करनी है, और अपने कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष का पद, दूसरा प्रतिपक्ष के नेता का पद और तीसरा पद था मुखिया का। और ये काफी अहम हो चुका था क्योंकि राजस्थान में जिस तरह लगातार एक कई आंतरिक विरोध भाजपा में चला आ रहा था, और आपने देखा होगा कि जब वसुंधरा राजे का जन्मदिन था तब एक तरफ सालासर में वसुंधरा राजे का जन्मदिन मनाया जाता है, वहाँ लाखों कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं, दूसरी तरफ भाजपा का प्रदेश नेतृत्व विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम रख देता है। ऐसे में बहुत लंबा एक बीच में खाई हो गई थी जिसको पाटना बहुत जरूरी था और बार बार इसकी मांग चली आ रही थी। अब ये निर्णय हो चुका है और सीपी जोशी बहुत निर्विवाद और निष्पक्ष चेहरा रहे हैं और लगातार 2 बार से लोकसभा में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीपी जोशी की नियुक्ति से सभी धड़ों को थामने का, सभी धड़ों को चुप कराने का एक कहीं ना कहीं दिल्ली से ये फैसला लिया गया है। सीपी जोशी सबकी पसंद है और पिछले दिनों विप्रो महासभा की जब सभा हुई थी तो राजस्थान 85 लाख ब्राह्मण वोट है और 10 लाख ब्राह्मणों का वहां इकट्ठा होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मांग जो चली आ रही थी उस पर एक विराम लगा दिया है। सीपी जोशी निर्विवाद कह रहा है, अब आगे देखना होगा कि कैसे। हाँ, ये जरूर है कि सतीश पूनिया जिस बात को कह रहे थे बार बार
उनको जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो कई उम्मीदें संगठन को थी, वो उम्मीदें शायद कमजोर साबित हुई और सतीश पूनिया वो नहीं करके बता पाए जो करना था और एक लंबी खाई संगठन के बीच में बढ़ गई, शायद जिसको पाटना मुश्किल हो गया था। चुनाव सर पर थे, प्रतिपक्ष का नेता तय होना था क्योंकि गुलाब चंद कटारिया असम चले गए थे राज्यपाल बनकर, अब ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा निर्णय होना था और ये निर्णय राजस्थान के चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण साबित होगा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।